अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द कोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ विजुअल्स जो आप अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो इसमें बहुत लंबा कोर्स नहीं है और बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। विजुअल्स की जब हम बात करते हैं तो सारा कंटेंट ज़रूरी नहीं है एक तरह का हो, यानी आपके कंटेंट में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बस आपके प्रोडक्ट की बस तस्वीरें हों बहुत सारी, ठीक है, और आपने वो डाल दिए हों, या फिर बस पिक्चर्स ही पिक्चर्स हों। वो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, वो कोई टेम्पलेट्स भी यूज़ किए हुए हो सकते हैं, वो फोटोग्राफी भी हो सकती है, वो सिर्फ कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है, वो वीडियोस भी हो सकती हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट की कुछ पोस्ट में आपको नजर आएगा टेक्स्ट बेस्ड है, ठीक है, उन्होंने बस कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। फिर कुछ ग्राफिक्स बेस्ड हैं, इन्होंने कुछ ग्राफिक्स बना के डाली हुई हैं। फिर कुछ इनकी प्रोडक्ट्स की तस्वीरें हैं, फिर कुछ ज़्यादातर लोगों की तस्वीरें हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं, इन सारे विजुअल्स को मिक्स करते हैं, तो सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। सबसे अच्छा होता है कि इन सारे विजुअल्स मिक्स्ड हो, और इनको कोहेरेंट क्या चीज़ बनाती है, वो अगेन आपका एस्थेटिक है, जो कि आपके कलर्स और आपका मूड है, वो जो है इन सबको कोहेरेंट बनाता है। अब वो उसमें आपका यूजीसी हो, प्रमोशन हो, नॉन प्रमोशन हो, फोटोज हो, वीडियोस हो, टेक्स्ट हो, ग्राफिक हो, डजेंट मैटर, ठीक है। जितना आप डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट यूज करेंगे, उतना लोगों के लिए वो इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग होगा। बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो कोटेशंस यूज करके डाल देते हैं, वो टेक्स्ट बेस्ड है और वो नॉन प्रमोशनल कंटेंट होता है, लेकिन वो भी एक टाइप ऑफ विजुअल है, ठीक है। अब नॉर्मली आपके विजुअल्स डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप का कंटेंट शेयर कर रहे हैं। अगर आप ह्यूमन स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, यूजीसी शेयर कर रहे हैं ज़्यादातर, तो वो लोगों की पिक्चर्स होंगी। अगर आप प्रमोशन कर रहे हैं तो उसमें मोस्टली आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर्स होंगी। फिर अगर आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो वो वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है कि कोई इंसान आके कर रहा है तो वो ह्यूमन कर रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आप टेक्स्ट में भी शेयर करते हैं कि आपने कैरोसोल पोस्ट बना दिया इंस्टाग्राम पे, ठीक है, और आपने कैरोसोल पोस्ट बना दिया इंस्टाग्राम पे और बहुत सारी चीज़ें शेयर कर दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ इसकी। ये एक अब ग्राफिक है जिसमें उन्होंने व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स लोगों से पूछा हुआ है। फिर एक ये है जिसमें लोगों के आप रिव्यूज डाल सकते हैं। फिर आपके पास आता है ये, अब ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि टिप्स टू प्लान योर वीक प्रोडक्टिवली, ठीक है, लोगों को बताया हुआ है आप किस तरह अपना वीक प्रोडक्टिवली प्लान कर दें, टेक्स्ट फॉर्म में इसको डाला हुआ है। फिर है आपके पास ये बस टेक्स्ट बेस है। फिर है स्वाइप टू सी सम हैप्पी टू डू लिस्ट आइडियाज, यहाँ पर उन्होंने एक पूरी कैरोसोल बनाई हुई है और आइडियाज दिए हुए हैं, ठीक है। फिर IGTV वीडियोस के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप वीडियोस बना लें, ठीक है। डिफरेंट तरह के फॉर्मेट को आप डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गई कि आपके विजुअल्स किस किस तरह के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो एक तरह के हों। जितने वो डिफरेंट होंगे उतना अच्छा लगेगा, और जितने वो मिक्स्ड होंगे, जितने वो वेरिड होंगे, उतना लोगों को पसंद आता है और उतना अच्छा होता है। तो ये हमारी विजुअल्स के बारे में बात हो गई। एक छोटा सा लेसन था, बहुत बेसिक था। आई होप आपको इससे हेल्प हुई हो। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होती है।